दोस्तों कल यानी कि 8 मई को आरसीबी की टीम अपना आईपीएल 2022 का 12वां मुकाबला खेलेगी। ये मुकाबला होगा सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट। इस मुकाबले से पहले आरसीबी की टीम के लिए दो बड़ी अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग आरसीबी की टीम के फैन हो तो ये दो अपडेट जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आईपीएल में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पर आपको 200% का बोनस मिलेगा। 500 रुपये अगर आप लोग जमा करते हो तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, यानी आपको टोटल 1500 रुपये का फायदा होगा। यहाँ पर आपको ना ही टीम बनानी है ना ही प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, डायरेक्टली मैच पे जाओ और बैट लगाओ और अर्निंग करो। आप चाहो तो हर बॉल पे भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। फ्री टाइम पर आपको यहाँ पर काफी सारे गेम्स देखने को मिलते हैं जहाँ से आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आईपीएल में आपके पास बेस्ट मौका है लाखों रुपए कमाने का, क्योंकि बाकी एप्स के बदले यहाँ पर आपको काफी सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं। तो बेस्ट वेबसाइट है, लिंक कमेंट पिन में है, फटाफट जाके वहाँ से डाउनलोड करो। दोस्तों आईपीएल 2022 का अब आखिरी फेज शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स के अंदर एक भी टीम जो है वो ऑफिशियली नहीं गई है। गुजरात की टीम जरूर यहां पर 8 मुकाबले जीत चुकी है, लेकिन ऑफिशियली क्वालिफाई करने के लिए एक और मुकाबला गुजरात की टीम को जीतना पड़ेगा। और आईपीएल 2022 की प्लेऑफ सीरीज से अभी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हुई है। केकेआर को भी आप लोग मान सकते हो कि ऑलमोस्ट बाहर है, लेकिन जो बाकी की 7 टीमें हैं वो प्लेऑफ्स के लिए लड़ रही है, और कौन सी 4 टीमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब दोस्तों आज आईपीएल 2022 के अंदर 2 मुकाबले खेले जाएंगे और कल भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे, तो ये 4 मुकाबले प्लेऑफ्स को देखते हुए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं टीमों के लिए। और इन 2 दिनों के बाद हो सकता है कि आपको पॉइंट्स टेबल पर बड़ी हलचल दिखाई दे, तो इसीलिए ये 2 मुकाबले इंपॉर्टेंट रहेंगे। आरसीबी की टीम की हम लोग बात करें तो आरसीबी की टीम अपना आखिरी मुकाबला जीती है, और इस मुकाबले को जीतने के बाद आरसीबी की टीम को राहत की सांस मिली है, क्योंकि अगर आरसीबी की टीम मुकाबला हार जाती तो कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम का चांस जो है वो प्लेऑफ्स में काफ़ी कम रहता। लेकिन आरसीबी की टीम ने अपना आखिरी मुकाबला जीता है जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर है। 11 में से 6 मुकाबले आरसीबी की टीम ने जीते हैं, बचे हुए 3 मुकाबले आरसीबी की टीम अगर तीनों ही जीत लेती है तो टॉप 2 में आने की आरसीबी की टीम के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आरसीबी की टीम अब अपना जो फेट है, जो अपना भविष्य है, वो अपने हाथ में लेकर चलेगी। आने वाले 3 मैच आरसीबी की टीम को अब जीतने पड़ेंगे और टॉप 2 के अंदर आरसीबी की टीम के आने के चांस बनेंगे। अब आरसीबी की टीम की आ रही बड़ी अपडेट्स की बात करें तो पहली बड़ी अपडेट आरसीबी की टीम की ग्रीन जर्सी को लेकर आई है। काफ़ी सारे आरसीबी फैंस जानना चाहते थे कि आरसीबी की टीम कब ग्रीन जर्सी पहनेगी, तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आरसीबी की टीम ने सोशल मीडिया पर कर दी है। कल यानी कि 8 मई को सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट डे मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि 3:30 बजे दोपहर में मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में आरसीबी की टीम जो है वो ग्रीन जर्सी में हम सभी को दिखाई देने वाली है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट इस बात की हो चुकी है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पर हो तो आपको टेलीग्राम पर ये अपडेट कल ही पता चल गई होगी, लेकिन आप नहीं हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कल दोस्तों आपको आरसीबी की टीम जो है वो अपनी ग्रीन जर्सी में पहनती हुई नजर आएंगी। अब काफ़ी सारे फैंस ये कहते हैं कि आरसीबी की टीम के लिए अनलक्की जर्सी है, या फिर आरसीबी की टीम इस जर्सी को पहनकर मुकाबले हारती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 2016 में भी विराट कोहली ने ग्रीन जर्सी पहनी थी और आरसीबी की टीम ने मुकाबला जीता था। एबी डिलर्स विराट कोहली की सेंचुरी इस मुकाबले में आई थी, तो कल भी आरसीबी की टीम जो है वो हरी जर्सी में हम सभी को देखने को मिलेगी। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो ये आरसीबी की टीम की कल होने वाली प्लेइंग 11 को लेकर आ रही है। तो कल हैदराबाद के अगेंस्ट आरसीबी की टीम मोस्ट प्रोबेबल अपनी सेम प्लेइंग 11 खिलाएगी, कोई भी बदलाव नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी आरसीबी फैंस जो है वो चाहते हैं कि मोहम्मद सिराज को आरसीबी की टीम को रेस्ट देना चाहिए या फिर ड्रॉप करना चाहिए, और रीजन यह है कि मोहम्मद सिराज अब तक इस आईपीएल सीजन में बिल्कुल भी रिदम में नहीं दिखे हैं। हर मुकाबले में इन्होंने अच्छे खासे रन पिटवाए हैं। एक तरफ से हेजलवुड प्रेशर बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज जो है वो काफ़ी सारे रन लीक करते हैं। तो ऐसे में आरसीबी फैंस चाहते हैं कि मोहम्मद सिराज को ड्रॉप किया जाए। आप लोग के दोस्तों इसके ऊपर क्या राय है आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताएं, लेकिन यहाँ पर आरसीबी की टीम जो है शायद कोई भी बदलाव नहीं करेगी। हैदराबाद के अगेंस्ट सेम प्लेइंग 11 के साथ में जाएगी, मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे, और हो सकता है आगे जाके आरसीबी की टीम मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दे अगर इनका परफॉर्मेंस ऐसे ही रहता है। लेकिन हैदराबाद के अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी बदलाव आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 के अंदर नहीं दिखता है। तो ये थी दोस्तों 2 बड़ी अपडेट आरसीबी की टीम के रिलेटेड। कल आरसीबी की टीम के हैदराबाद के अगेंस्ट मुकाबला खेला जाएगा, तो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड इस मुकाबले के लिए आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताइए। और अगर आपको आरसीबी की टीम की ऐसी डेली अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें।